सो ब्यूटीफुल। और आप देख सकते हैं इनका लिबास, प्रॉपरली यूनिफॉर्म्स, और बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इस किले की खूबसूरती में ये इजाफा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। लोग मोती मस्जिद पहुँच चुके हैं और ये वो एक खूबसूरत ओल्ड ट्री जो काफ़ी पुराना लगता है। इसका व्यूज हम आपको क्लोज से दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है इसको बरकत का दरख्त कहा जाता है। ये तकरीबन 100 साल पुराना दरख्त है और मोती मस्जिद में दाखिल होने का रास्ता है ये जी। और इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि इसको शाहजहां ने बनवाया था, और तारीख नान ये भी लिखते हैं कि जहांगीर ने ये मस्जिद बनवाई थी और जो जोधा भाई के कहने पे बनवाई गई थी। जोधा भाई इनकी माँ थी, और जोधा भाई के बारे में ये भी गलत ख्याल है कि वो हिंदू थी और बाद में वो मुसलमान हो गई थी। और यहाँ यहाँ कहा जाता है कि इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जन्नत रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि असर के बाद यहाँ दाखिला मना है, और यहाँ लोग दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और यहाँ लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। ये खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि मोती मस्जिद में एक ऐसा कमरा है जहाँ लोग पर्चियों पे अपनी हाजात लिख के, अपनी मन्नतें लिख के उस कमरे में एक हॉल में वो पर्चियाँ फेंक देते हैं, और जहाँ और इस मस्जिद के जो जिन्नात हैं वो उन पर्चियों से रीड करके उनकी हाजात पूरी करते हैं। इसमें क्या हकीकत है, जिन हैं या नहीं हैं, ये खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ वापस, और हम आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।